2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और लोगों को अपनी पार्टी के प्रोग्राम्स बताने और वर्कर्स में जोश भरने के लिए रैलियों का दौर शुरू हो गया है। जालंधर के गोराया की दाना मंडी में आज यूथ अकाली दल की तरफ से युवाओं में जोश भरने के लिए रैली का आयोजन किया गया। नई सोच नया जोश यूथ चेतना रैली का नाम दिया गया, जिसमें पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज युवा अकाली दल के वर्कर्स का धन्यवाद करने आए हैं, जिन्होंने बाबा बकाला इलाके के किसान बुद्ध सिंह के कर्ज की राशि वापस की है। मौके पर मजीठिया ने कहा कि नौजवानों में जोश के साथ होश भी बहुत जरूरी है और इस मौके पर बिक्रम सिंह मजीठिया ने मनप्रीत बादल पर निशाना लगाते हुए कहा कि मनप्रीत बादल जब उनकी पार्टी में थे तो उन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया। इस रैली के द्वारा 2019 के चुनावों के लिए यूथ अकाली दल द्वारा चुनावी बिगुल बजाते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार अपने किए गए वादों से मुकर रही है, किसानों के कर्जे माफ नहीं कर रही। वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके इलाके के किसान बुद्ध सिंह का कर्जा वापस किया गया है और सुखी रंधावा इसकी इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। वो करवा सकते हैं लेकिन इंक्वायरी के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। बलदेव सिंह जी दे खैरा साहब दे हलके च फलौर हलके च इत्थे आए हैं। मुख मकसद मेरा इत्थे आउण दा बड़े शॉर्ट नोटिस च प्रोग्राम रखण दा यही सी कि अज तो कुछ दिन पहला सरदार बुद्ध सिंह होरां दा जिन्हां नूं कांग्रेस पार्टी ने जिन्हां नाल बहुत वड्डा धोखा कीता, राहुल गांधी दी कांग्रेस ने हजारां इह जे बुद्ध सिंह हर पिंड च बैठे है जिन्हां नाल वड्डा धोखा कीता, जिन्हां दा अज भी ना करजा माफ होया, जिथे ना उन्हां दा करजा माफ होया उन्हां दी कुरकी शुरू हो गई है ते उह वड्डे वड्डे डिफाल्टर बन गए। अज उन्हां नौजवानां दा धन्नवाद करन वास्ते मैं इत्थे आया सी जिन्हां ने इन्हां दे 386,000 दा जिहड़ा लोन सी उहदे च किसी ने रुपया पाया, किसी ने 10 रुपए पाए, किसी ने 100 पाए, किसी ने 500 पाए, रल मिल के योगदान पा के इन्हां दा 386,000 पूरा किया। 2 साल उडीकण तो बाद जदों ये बार बार उत्थों दे जिहड़े मिनिस्टर ने कॉरपोरेशन दे कोऑपरेटिव महकमे दे जिन्हां दी घुग्गी नाल एक लीक नाल इन्हां दा ग्रामीण बैंक जिहड़ा कोऑपरेटिव दे थल्ले सी लोन माफ हो सकदा सी, इह कोटली सूरत मल्लियां डेरा बाबा नानक हलके नूं बिलोंग करदा जिथों दे कोऑपरेटिव मिनिस्टर ने, मगर इन्हां नूं मिलना भी पसंद नहीं करदे सी। ओह इह जिन्ने भी कर्जा माफी हुई है तुसीं सारिआं ने ओह वीडियो वेखी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन्हां नूं इह गल कही सी 2016 सितंबर दे महीने की थोड़ा बोझ, ये कल्ली इन्हां नूं नहीं सारे किसानां नूं कही सी कि थोड़ा बोझ मैं चुक लिया, किश्तां थोनू मोड़न दी लोड़ कोई नहीं, थोड़ा सारा कर्ज आड़तीए दा बैंक्स दा और कोऑपरेटिव अदारे दा सारा ही 90,000 करोड़ माफ हो जू। मगर अज असलियत यह है कि 800 तो वध किसान खुदकुशी कर गया, रोज़ दा एक तो वध किसान खुदकुशी कर रहा है ते मौजूदा सरकार कुंभकरण दी नींद सुती पई है और किसानां नाल कल्ला धोखा नहीं पंजाब दी नौजवानी नाल भी धोखा कीता है। ते राहुल गांधी कहिंदे कि मैं आहा मॉडल देश च लागू करना, 6 किसान होए पॉलिटिक्स करदे आ, 6 किसान मध्य प्रदेश च पूरे होए, तुसी उन्हां दा दर्द पुछण गए ठीक है, मगर राहुल गांधी जी पंजाब च थोड़ी सरकार है 800 तो वध पूरे हो गए आ, तुसी कहा सी आपदे चोन मैनीफेस्टो च कि 10 लाख रुपया मुआवजा ते एक एक नौकरी देवांगे, अज ओह किसान उडीकदे आ ते उन्हां दा जद प्रोग्राम हुंदा उत्थे उन्हां दे दर्द नूं नहीं समझा जांदा, उन्हां दी मुश्किलातां नूं नहीं समझा जांदा, उत्थे गीत गवाए जांदे आ, इश्क दा गिद्दा पैंदा नहीं। इन्हां हालातां नूं अज तुहाडे सामने लै के मैं आया, नाल ये भी बेनती करने वास्ते आया कि तुसी अजकल एक इश्तिहार देख रहे हो सारी अखबारों से आ रहा, थोड़े प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक से आ रहा है, 1,13,000 नौकरी का बार बार जिक्र हो रहा है।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਇਟਸ ਇਨਸਾਈਡ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਊਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ 1,13,000 ਜੋਬਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਊਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਭਵਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 650 ਨੌਕਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ 650 ਨੌਕਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2,00,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ DA ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 4,000 ਕਰੋੜ ਡਿਊ ਹੈ DA ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਕਿਸ਼ਤ DA ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਅਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ 6% ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗਿਓਂ ਮਿਲੂਗੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ 4,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ